आजकल तो पानी की समस्या है गांव में, और कुछ नहीं है, और काम तो होता रहेगा, लेकिन पानी बहुत जरूरी है। पानी नहीं है। हमारे इस वाले पेड़ पे बहुत सारे आरओ लगे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, बस कुछ दिनों बाद हो जाएंगे, 1 महीने में। भी पूरी जिम्मेदारी मेरे पास है घर की, और भैंस के लिए घास भी लाना है। घास नहीं है अंदर, हरी घास, सूखा वाला घास तो है लेकिन हरी घास नहीं है। अब चलते हैं मैं घास के लिए नीचे। चलो आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 11:30 बजे से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ। और अभी मेरा घर का सारा काम निपट गया है, झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह कर लिया था, और अभी मैं नहा धो के रेडी भी हो गई हूँ। कपड़े वगैरह भी मैंने धुल दिए हैं, कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल दिए ऊपर छत पे। और पानी तो आ ही नहीं रहा। गांव में सबसे बड़ी समस्या यही है कि पानी नहीं आ रहा। आजकल पानी की बहुत कमी हो गई भाई। आजकल तो पानी की समस्या है गांव में, और कुछ नहीं है, और काम तो होता रहेगा, लेकिन पानी बहुत जरूरी है। पानी नहीं है तो कुछ काम नहीं होता है पानी के बिना। तो अभी बड़ी मुश्किल से पानी आ रहा है आजकल, 3 दिन से लगातार, मतलब दिन दिन में आ रहा पानी, क्योंकि धूप वाली मोटर लगा रखी है शायद नीचे, तो जब धूप में चार्ज होती है तब जाके पानी आता है। तो अभी पानी आ रहा है, अभी मैं पानी भर रही हूँ। 2-3 ड्रम मैंने भर दिए हैं, और ऊपर वाली टंकी भी मैंने भर दिया है। तो अभी मैंने कपड़े उसी पानी से धुले जब पानी आ रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह भी धुल दिए हैं। और अभी भी मैं पानी ही भर रही हूँ। मैंने अभी ड्रम पे लगा रखा पानी, छोटे ड्रम पे, और बाल्टियाँ वगैरह मैंने सारी भर दिए। तो अभी टंकी भी आधा ही भरी है, ज़्यादा नहीं भरे, क्या करें, ऐसे ही बचाना पड़ रहा पानी थोड़ा थोड़ा करके। और पानी तो आ ही नहीं रहा, क्या कर सकते हैं। अब खाना वगैरह भी हमने बनाया नहीं, तो खाना थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। पीने का पानी तो मैं नीचे से लेके आई थी, बस ये कपड़े वगैरह धुलने के लिए, बर्तन वगैरह धुलने के लिए। वैसे इसे भी पी सकते हैं, लेकिन पीने के लिए मैं अलग से ही लाई। आज का मौसम सामने पहाड़ों पे हल्की हल्की धूप खिली हुई है, कभी धूप लग रही तो कभी छांव हो रहे, क्योंकि आसमान में बादल छा गए हैं चारों तरफ से। और सामने खैट पर्वत पे हल्की हल्की धुंध लगी हुई है, इसके वजह से खैट पर्वत भी साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरा खैट पर्वत धुंध से ढका हुआ है। मौसम पूरी तरह से खराब होने लगा है, हल्की हल्की धूप लगी हुई है, और आजकल पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली हरियाली छा गई है, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, काफी सुंदर नजारा आ रहा है आजकल गाँव का। और देख सकते हो आप लोग, आसमान में बादल ही बादल छा गए हैं, धूप भी बिल्कुल हल्की हो गई है, ठंडा मौसम हो गया अभी का। आजकल जो आग लगी हुई थी जंगलों में वो भी बुझ गई है बारिश होने से। अच्छा हुआ कि बारिश हो गई है, तो इसके वजह से पूरे जंगल बच गए हैं नष्ट होने से। वैसे भी नष्ट तो हो गए हैं कुछ कुछ, लेकिन जो बचा कुचा है उसमें हरी घास लगने लगी है बारिश की वजह से, हरी पौध उगने लगी है। देख सकते हो आप लोग पीछे थोड़ा हरा हरा होने लगा है, हल्की हल्की कुंपली फूटने लगी है उसमें, तो मोयार आने लगी है फिर से। और हमारे आरओ के पेड़ पे आरओ लगे हुए हैं काफी सारे, झुक भरा हुआ पेड़ देख सकते हो आप लोग, कितने प्यारे प्यारे लग रखे हैं यहाँ पे। हमारे इस वाले पेड़ पे बहुत सारे आरओ लगे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, बस कुछ दिनों बाद हो जाएंगे, 1 महीने में, 1 महीने में लगभग हो ही जाएंगे खाने लायक। तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, पकने वाले कुछ समय बाद। तो अभी पूरा पेड़ झुक भरा हुआ है आरओ से, काफी अच्छा लग रहा है, अभी छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे। और हमारे अंगूर के बेल पे भी अंगूर आने लगे हैं, छोटे छोटे हैं अभी, तो अभी तो बहुत टाइम है इन पे, कहीं कहीं पे तो बड़े हो गए हैं लेकिन कहीं कहीं पे छोटे हैं। बस कुछ दिनों बाद फल फ्रूट भी होने वाले हैं हमारे घर पे, आरू अंगूर, और ऊपर भी है बहुत सारे पेड़ आरू के, आरू ही आरू हो रखे हैं यहाँ पे। और चूल्हे भी लगे हुए नीचे वाले पेड़ पे, देख सकते हो आप लोग, इस वाले पेड़ पे चूल्हे लगे हुए हैं, हरे हरे चूल्हे अभी छोटे छोटे हैं।
अभी हम लोगों का लंच टाइम भी हो गया है और आज लंच में बना रखे हमने काले चने और चावल। आज खाना पतिदेव ने बनाया तो अब खाते हैं। पतिदेव थाली लेके आगे मेरे लिए, देखती हूँ कैसे बनाया है। आज फर्स्ट टाइम खा रहे हैं पतिदेव को बनाया हुआ खाना, तो देखते हैं कैसे बनाया है। अच्छा ही बनाया है, ज्यादा टाइम नहीं कर सकती मैं उनकी, अच्छा ही बनाया। जबरदस्ती की तारीफ। शाम के 5:30 भी हो गए हैं और भैंस वगैरह भी मैंने बाहर निकाल दी, उसमें घास वगैरह भी मैंने डाल रखी है, पानी वगैरह मैंने उसे पिला दिया है। तो अभी मेरे पास पूरे घर की जिम्मेदारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सासू जी लोग घर आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे आज क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला आने का, टाइम ज़्यादा हो गया था तो वहीं रुक गए वो, तो कल आएंगे फिर वो वहाँ से भानी वाला से। तो अभी पूरी जिम्मेदारी मेरे पास है घर की, और भैंस के लिए घास भी लाना है। घास नहीं है अंदर, हरी घास, सूखा वाला घास तो है लेकिन हरी घास नहीं है। अब चलते मैं घास के लिए नीचे, तो की वो लाती हूँ मैं पत्ते जिसे सेंतूत बोलते हैं, एक पूरी घास लेके आती हूँ मैं अभी यहाँ से नीचे से लाऊंगी, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, यहीं से लाऊंगी। तो चलती हूँ अभी घास के लिए, चलती हूँ मैं अभी घास के लिए। और मौसम भी पूरा ख़राब हो रखा है, हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है और आज रात को बारिश होने वाली है शायद। तो अभी चलते हैं नीचे घास के लिए, पति देव के ऊपर ये काम कर रहे हैं कुछ। आ गई हूँ मैं घास लेके भी घर, और भैंस में भी डाल दिया मैंने थोड़ा सा, और कुछ मैंने यहाँ पे रखा है बचा के। एक ही पुली लेके आई मैं, ज्यादा नहीं लेके आई, कुछ हम सूखा वाला घास खिलाएंगे उसे। तो आ गई हूँ मैं अभी, अभी अभी आई मैं। और पतिदेव पता नहीं कहाँ चले गए, घूमने चले गए वो शायद, बताया भी नहीं उन्होंने मुझे। तो अभी बहुत तेज हवा चलने लगी है, ठंडी से लगने लगी है, अभी ठंड होने लगी है, मुझे ठंड लग रही है भाई बहुत तेज। तो अभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही है ना, तो उसकी वजह से ठंड लग रही है। रात का खाना भी बन गया अभी हमारा, और खाने में आज शिमले मिर्च की सब्जी और रोटी, और ऊपर वाली ताई सास ने दे रखे हमें आलू की भरी रोटी, अभी लेके आई मैं ऊपर से। अब खाते हैं गर्म गर्म खाने का आनंद लेते हुए, पतिदेव तो खा रहे हैं यहाँ पे। खाना पीना भी हमारा हो गया है, अब हमारे सोने की तैयारी है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पैन करते हैं, आप सभी लोगों को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय देवी उत्तराखंड।